All right, guys. What's up? What's up? What is up, guys? How's everybody doing? So welcome back from the Moto Vlog setup. सामान काफी ज्यादा है. So मैं first time इतना सारा सामान लेके carry करके निकल रहा हूँ. एक bag है, अपना tank bag है. And I am all set to go on a long, long drive. So अच्छा हुआ मैं गाड़ी लेके निकल गया, बिकॉज अब पसीने पसीने हो रहे थे अंदर से. आराम से जाऊँ, आराम से वापस आऊँ. जय माता दी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ गाइस, जय जगन्नाथ. सो विंटर शुरू हो चुका है ऑफिशियली, और दिसंबर में हम एंटर कर चुके हैं. एंड तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम, ह्यूमन मेड डैम पे जा रहे हैं, विजिट करेंगे, कुछ सिनेरिक शॉट्स लेंगे, सिनेमैटिक शॉट्स लेंगे और आप लोगों के लिए दिखाएंगे. और वैसे भी आज संडे, तो आज संडे राइड इज सपोज टू बी अ फन राइड. होपफुली इट गोज रियली रियली वेल. मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है. और आज तो और मजा आ रहा है, बिकॉज आज हम जा रहे हैं बहुत दूर. अराउंड 300 किलोमीटर की राइड होने वाली है. सो इट इज गोइंग टू बी रियली फन, मजा आएगा. और सबसे अच्छी बात है ना, हम उड़ीसा के नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं. तो आज हम जा रहे हैं हीराकुद डैम, जो कि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है. संबलपुर एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है और खूबसूरत से लोग हैं. उनकी लैंग्वेज उड़ीसा में सबसे मीठी कही जाती है. और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, अगर मैंने सारा कुछ अभी बता दिया तो फिर आगे क्या बताऊंगा. तो फैक्ट्स मैंने सारे रेडी कर रखे हैं आपके लिए. आपको धीरे 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 करके करके संबलपुर पहुंचने तक आपको सारे फैक्ट्स बताते चलूंगा. ओ माय गॉड, देयर इज अ बिग एक्सीडेंट. ओ शिट, ओ शिट, देख रहे हो एक्सीडेंट कितना गंदा हुआ है. ओ नो, होपफुली एवरीबॉडी इज ओके यार. ये देख के ना मन बहुत दुखी हो जाता है यार, बहुत दुखी होता है मेरे के मन. और राइड में निकलने से पहले ना ये देख के ना बहुत डर भी लगता है यार. आराम से चलो भाई, आराम से ही चलो. ज़्यादा जल्दी किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, अपने कंट्रोलेबल स्पीड पे चलो. और काफ़ी लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं यार, रिक्वेस्ट है मत करो यार. लाइफ चली जाती है लोगों की यार, खुद की भी और किसी और की लेके जाते हो साथ ही साथ, मत करो. गाइस आप वाइब को फील कर सकते हो, मजा आ रहा है भाई, मजा. तो देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में. आज हम जाने वाले हैं बहुत दूर, बहुत ही खूबसूरत जगह एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे. तो कैसे हो आप लोग कमेंट करके बताना, मजा आने वाला है बॉस, मजा आने वाला है. तो देखो नारियल का पेड़, उड़ीसा में बहुत नारियल के पेड़ हैं, आपको हर जगह नारियल का पेड़ दिख जाएगा. मैप में देख सकते हो हम जंगल के आसपास से ही जा रहे हैं. नंदनकानन का पूरा जंगल है प्रॉपर वाला. अब ये ट्रक से आगे कैसे निकलूं, अरे 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 यार, यहाँ तो रुकना बनता है यार, यहाँ तो रुकना बनता है. क्या ही खूबसूरत जगह है यार, मेरा मन कर रहा है ड्रोन उड़ाने का. सो गाइस, इस जगह का नाम नाराज है और इस पॉइंट का नाम है सनराइज पॉइंट. तो अगर मौका मिले सुबह के टाइम पे, विंटर के टाइम पे जरूर आना, खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेगा. सो हम फाइनली निकल गए, थोड़े से ड्रोन शॉट्स वगैरह लिए. अभी ये विलेज के अंदर से लेके जा रहा है, काफ़ी कर्वी रोड्स हैं,
इधर उधर के रास्ते हैं और यही चीज़ तो देखने आए थे। सिर्फ डेस्टिनेशन ही सब कुछ नहीं होता, साथ ही साथ जो रोड के दौरान एक्सपीरियंस होता ना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो वो चीज़ भी आप लोग इन्जॉय करो। एक छोटी सी विलेज है, नाम नहीं पता कौन सा है, बट काफ़ी खूबसूरत सी विलेज लग रही है। लोग सुबह सुबह अपने दिनचर्या में लग गए, बिजी हो गए। तो अभी फ़िलहाल गैस ऑलमोस्ट हाफ है, बट भराना है हमें। इसके बाद हमें कहीं भी, यार ये कैसे आ रहा भाई, इसके बाद हमें अगर कहीं पे भी गैस स्टेशन दिखे ना, तो हमें रुक के वहाँ पे गैस भराना है। भाई साहब, अरे बंदर भाई, हेलो हेलो, ये रोड देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ना, यही तो खूबसूरती है इंडिया की, यही तो है, यही है, बस यही है। फिलहाल अभी भी ठंड है, टू बी ऑनेस्ट ठंड लग रही है। मन कर रहा ऑफ करूं रिकॉर्डिंग, बट फिर देखो कितना अच्छा खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं कि फिर मन ही नहीं कर रहा कि यार ऑफ करूं। मुझे लगा हाईवे वगैरह से ले जाएगा, ये पता नहीं कहाँ किनाल इन सब जगह से लेके जा रहा है। सो कम्प्लीटली अननोन स्पेस है और रोड भी उतनी कोई अच्छी नहीं है, तो उसमें टाइम लगेगा काफ़ी। जैसे ख़राब बोला अच्छा रोड आ गया, ये देखो कितना प्यारा रोड है। अगर ऐसे रोड रहेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा यार। तो गाइस सुबह के 7:30 बजने वाले हैं, 7:21 हो रखा है प्रिसाइजली बोलूँ तो, और ठंड भी थोड़ी थोड़ी सी कम हो रही है, इट्स नॉर्मल नाउ। बट एक दिक्कत हो रही है, मेरे को दिख रहा है कि मेरे गैस ख़त्म होने वाला है। सो आई थिंक मुझे नेक्स्ट स्टॉप जो भी बड़ा सिटी आए और जो भी गैस स्टेशन आए, सबसे पहले गैस भराना है, मतलब पेट्रोल भराना है। अब ये दिक्कत कितना दूर तक होगा नहीं पता, पर देखो यार मेरे इस साइड भी यार खेती है, इस साइड भी खेती है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अभी हम थोड़ी देर में आठगढ़ सिटी पहुँचने वाले हैं, लगभग 3 किलोमीटर में दिखा रहा है आठगढ़ रोड है, तो आसपास ही होगा, 4 से 5 किलोमीटर के अंदर होगा आठगढ़। सो गाइज अभी हम महानदी को क्रॉस करने वाले हैं। मेरे लेफ्ट साइड में महानदी जा रही है, जो कि उड़ीसा की सबसे बड़ी रिवर है, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ब्रिज आई थिंक। और यहाँ पे बहुत प्यारा खूबसूरत नज़ारा है, मन कर रहा है यहाँ रुक के थोड़ा सा ड्रोन उड़ाया जाए। ब्रिज तो आप देख ही सकते हो उस साइड है, पर नज़ारे देखो बॉस, सेक्सी वाले नज़ारे हैं। सो गाइस मैं इस ब्रिज से लास्ट ईयर भी गया था, मुझे एग्जैक्टली जगह याद है, और आज फिर से जा रहा हूँ। पर लास्ट टाइम मैं कहीं और के लिए गया था, इस बार कहीं और के लिए जा रहा हूँ। यार ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है, व्हाट द हेल दिस गाइस डूइंग, अब द लिटरली यार भैंस की आँख, मन तो करता निकल के थप्पड़ मारूँ। खैर छोड़ो, नज़ारे देखो बॉस, नज़ारे देखो, दोनों तरफ नदी ही नदी है। एंड इट फील्स सो गुड। अभी मुझे गैस स्टेशन ढूंढना होगा, तेल की टंकी। भाई तेल टंकी इट कूटे चुके पटे, भाई टंकी पूरा फुल कर दे मैं। हाँ ओला जी ना, टंकी पूरा फुल कर दे मैं। हाँ पढ़ रहा था, समझते रहता था मैंने भी। हाँ ब्लॉग ऐसी हो, ब्लॉग देखिए तो मैं जाऊँ ना चैनल तो उसी इंडी का दिया, फोन देखे दो लगी दो ऐसी इधर वीडियो दे कैमरा को भाई, ये देखो स्माइल कर ले, ये देखो स्माइल। भाई लोग से मिले बहुत अच्छा लगा। चलो टंकी फुल हो गई और हमने यहाँ पे एक नया सब्सक्राइबर भी गेन किया, ऐसे ही कर करके बढ़ाएंगे सब्सक्राइबर। तो गैस स्टेशन में भैया मिले, उन्होंने बोला कि सब्सक्राइब करेंगे और उन्होंने सब्सक्राइब किया भी, तो करवा के आए। तो वैसे आप ही लोग भी बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो। वैसे काफ़ी देर हो चुका है, हम काफ़ी स्लो चल रहे हैं,
क्या करूँ, ड्रोन शॉट्स लेना था तो थोड़ा सा रुक के स्लो स्लो होकर जा रहा था, बट अब थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना है आई थिंक, अब अच्छा खासा डिस्टेंस। कभी एक और ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट टाइप का कुछ करेंगे, उसके बाद सीधा खींचूँगा क्योंकि उसके बाद और रुकना नहीं है। हेयर पिन आया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, मैंने सोचा रिकॉर्ड करते हैं इसको भी। देखो कितना खूबसूरत है जगह, जगह का नाम याद नहीं है, ये एक्चुअली आठगढ़ के अंदर ही आता है, काफ़ी खूबसूरत है। थोड़ी सा रोड का कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, अब ये देखो मिट्टी वाला रोड है तो रोड का कंडीशन तो डेफिनेटली ख़राब है काफ़ी। कहीं कहीं पर अच्छे पैचेस हैं, कहीं कहीं पर बुरे पैचेस हैं, सो इट्स अ मिक्स। पर आप देखो यार व्यू देखो बॉस, क्या ही सेक्सी व्यू है, लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। गैस मिस कर गया, बट आप आगे देख सकते हो धान की कटाई होती है विंटर टाइम में ना यहाँ पे, ये देखो धान कटे हुए हैं, यहाँ पे धान की कटाई चल रही है। सो घर से मैं निकला था 6 बजे और अब 8:30 हो गए, काफ़ी ब्रेक्स ले लिया एक्चुअली, मैं थक रहा था थोड़ा सा, सुबह कल रात को सोया नहीं था तो चाय वगैरह पिया, थोड़ा सा बिस्किट वगैरह कुछ खाया, अब बॉडी के अंदर एक अलग सी एनर्जी है तो अभी 100 किलोमीटर तक कोशिश करूँगा कहीं ना रुकूँ, फिर ब्रेक लेंगे बीच में अगर फिर से एक चाय वगैरह पियेंगे, बट अभी 100 किलोमीटर तक कहीं ब्रेक नहीं ले रहा मैं। सो ये जो प्लान है आज का ये कम्प्लीटली अनप्लान्ड था, मैं परसों रात को बैठा था, मैंने सोचा कि निकलते हैं कहीं पे, बहुत दिन हो गए और आप लोग के लिए व्लॉग बनाना है। चिकन कितने प्यारे प्यारे से थे यार, वैसे गाँव बड़ा खूबसूरत लग रहा है यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बगल में लेफ्ट साइड में तालाब है और रोड भी अच्छे हैं, सच बताऊं तो रोड अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं यार, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स सो प्लेजेंट राइट नाउ, एंड ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं क्या बोलूं यार, जुबान में शब्द नहीं आ रहे, मतलब मिसिंग हो रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप। इन्होंने धान काट के रखे हैं रोड पर सुखाने के लिए, ये ट्रेडिशनल वे है और इसमें थोड़ा सा देख के चलना क्योंकि इसमें स्किट करती है, ये ट्रेडिशनल वे है धान के, मतलब जो बचे हुए रिमेनिंग्स होते हैं उसको सुखाते हैं, फिर उसको वो झोपड़ी में यूज़ करते हैं, अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। देखिए अनदर वन, इनको यार थोड़ा सा गैप देना चाहिए, बीच में अगर स्क्वायरिश टाइप में डाल देना तो अच्छा है, ये रिस्की है थोड़ा सा, ये लोग पता नहीं बस यूज़ करते हैं, समर टाइम में खासकर ज़्यादा होता है बिकॉज उसमें जल्दी सूखता है इसीलिए। ये थ्रैशर है, वाओ इंडिया में थ्रैशर्स आने लग गए हैं यार, छोटे छोटे गांव में थ्रैशर्स यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ अ थ्रैशर, ये काटता है धान अलग करता है और उसके जो स्टैश है उसको अलग करता है, सो इट्स प्रीटी हेल्पफुल डिवाइस। तो गाइस हमने अभी तक ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं, टाइम डेफिनेटली आप सुन के हंसोगे, 2 से 2.5 घंटे लगे हैं, बहुत स्लो जा रहा हूँ, बट ठीक है यही फन है। थोड़े शॉट्स लेने थे, थोड़े से शूट करना था, ड्रोन शॉट लेना था, तो काफ़ी टाइम लग गया उसी बीच में, तो अब नहीं रुकने वाले, अभी 100 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच करूँगा, एटलीस्ट 70-80 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच करूँगा। और धूप देवता प्रॉपरली आ चुके हैं, अब अच्छा लग रहा है वेदर, अब एक्चुअली बहुत प्लेजेंट लग रहा है, ना ठंड ना गर्म, बहुत बढ़िया सा वेदर है। तो चलो आज आपको संबलपुर के बारे में बताते हैं। संबलपुर ओडिशा का 5th लार्जेस्ट सिटी है, पॉपुलेशन के मामले में 3.5 लाख से ऊपर के ऑलमोस्ट पॉपुलेशन हो चुका है, 2011 में जब सेंसस हुआ था तब 3,35,000 कुछ पॉपुलेशन था, अब काफ़ी बढ़ चुका है। अब देख रहे हो ये खूबसूरत, दिस इज़ व्हाट विलेज लाइफ लुक्स लाइक, दिस इज़ सो प्रिटी यार, सो प्रिटी। अब वो जो खेत है उस पर जब सनराइज आ रहा है, ये जो खेत है इसके ऊपर जब सन गिर रहा है तो ऐसा लग रहा है गोल्डन है पूरा, बहुत प्रिटी लग रहा है यार, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रहा है। मुझे ना ये गाँव वाँव के ना व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं शहरों के मुकाबले, मोर ऑफ़ अ विलेज पर्सन, मोर ऑफ़ अ विलेज पर्सन, आई लव विलेजेस
मुझे सिटी का रश हस बस बिल्कुल पसंद नहीं। आई लाइक टू हैव अ पीसफुल एनवायरनमेंट व्हेन यू लिविंग। बस आप पैसे हो बकायदा, बाकी सब ठीक है। इन्होंने रोड अच्छा बना रखा है पर हम्प्स काफ़ी दे रखे हैं। क्या ही ड्राइविंग है यार, कसम से भगवान की यार। वो ये व्यू दिखा सकूँ, ऑसम लग रही है यार, मतलब परफेक्ट लग रहा है। विंटर टाइम में इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, रियली रियली ब्यूटीफुल। अगर आपको भी मौका मिले ऐसे राइड में निकलने का, बेहिचक निकलो यार, बेहिचक, बिकॉज तभी तो मज़ा है जब आप ऐसे राइड में निकलोगे, इंजॉय करोगे ऐसे व्यूज़ को, कहीं रुक के चाय समोसा वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह करोगे तो आपको मज़ा आएगा। सिर्फ घर में बैठ के ना सोचने से कुछ नहीं होता, सोचो, बिल्कुल सोचो, बिना सोचे तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। बट सोच के संग थोड़ा बहुत अमल भी करना, हर टाइम हो नहीं सकता मैं मानता हूँ, और ये ना मुझसे भी होता है ना बहुत सारे लोगों से होता है, इट्स अ नेचुरल थिंग, ह्यूमन है हम लोग, हम बहुत कुछ सोचते हैं एक ही टाइम पे पर हर चीज़ पे अमल नहीं कर पाते। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं ना इंसान को अपने लाइफ में कोशिश करना चाहिए कि उन्हें अमल करे, उसे प्रैक्टिकली एफर्ट डाले और करे। तो मेरे लिए ये डेफिनेटली एक वन ऑफ द चैलेंज था कि अपने काम को, काम से टाइम निकाल के कैसे मैं जाऊँ। एंड संबलपुर आप देख सकते हो 223 किलोमीटर लिखा हुआ है, सो इट्स ऑलमोस्ट 223 किलोमीटर, और जीपीएस दिखा रहा है 241 बिकॉज हम जा रहे हैं हीराकूद की तरफ। हीराकूद वहाँ से ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर है, सो ये ऑल टुगेदर उसी का दिखा रहा है। और आज हम रात को स्टे करने वाले हैं संबलपुर पे, क्योंकि आज हम जाएंगे सबसे पहले हीराकूद, थोड़े से शॉट्स लेंगे, जगह देखेंगे, एंड एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, देखना तो बिल्कुल बनता है, सुना है काफ़ी सुंदर भी है, एंड इट्स हिस्टोरिकल प्लेस टू। काफ़ी छोटी सी गांव है बट खूबसूरत सा गांव है। अब धूप प्रॉपर निकल चुका है, मतलब फील अच्छी आ रही है भाई साहब। नज़ारे हैं यार, थक नहीं रहा मैं तो नज़ारे देख देख के भाई, इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं, कितना मतलब प्लेजेंट होगा। आप सोचो यार, इस साइड पेड़ है, इस साइड खेती है, आई थिंक वो मक्के की खेती है, और इस साइड एक खुला सा एरिया है, यहाँ पे झाड़ जंगल है, मतलब सब कुछ अपने हिसाब से चल ही रहा है, और इतना खूबसूरत लग रहा है कि पूछो मत, लिटरली बहुत प्यारा लग रहा है यार, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। अब आप ही बताओ इसको रेटिंग 1 से लेकर 10 के बीच में आप क्या दोगे, कमेंट में बताना। भाई लोग जो आप लोग आज सब्सक्राइब किए हो, जो मिले हो, आप भी इस चैनल को लाइक करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लेना, थोड़ा सा लाइक वगैरह करना, अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें और मुझे और मोटिवेशन मिले अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का। तो अभी बहुत दूर जाना है, बहुत बातें करनी है, इसलिए मैं भी आपको बारे में और पका नहीं रहा, व्यूज़ दिखा रहा हूँ, अभी नज़ारे देखो, बातें तो करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, सफ़र बहुत लंबा है और बातें तो करते रहेंगे, पर मुझे लगा कि ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ और आपसे बहुत जल्द मिलता हूँ एपिसोड 2 में, जहाँ पे हम हीराकूद की डैम को देखेंगे और उसके बारे में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। इनफैक्ट संबलपुर की थोड़ी बहुत ग्लिम्स भी आपको दिखाऊँगा। तो देखने के लिए बहुत कुछ है गाइस, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि एपिसोड 2 आते ही आपको सबसे पहले देखने को मिले। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, राइड सेफ, वियर अ हेलमेट एंड ऑलवेज ड्राइव विथ पोलाइटनेस।